भाई साहब काफी समय हो गया था ऐसे कॉमेडी फन ड्रामा मूवी हमने नहीं देखी थी, वो भी जिसमें प्योरनेस का काफी तड़का हो और सिचुएशनल पंच और सीन्स ऐसे डाले गए हों जो बिल्कुल रियलिस्टिक लगे और जो एक्टर्स की तरफ से जो भी डिलीवर करा जा रहा है एक्टिंग वो बिल्कुल नॉर्मल एंड नेचुरल लगे। अगर पास उठाकर देख लें तो धमाल ढोल जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ये मूवी हमें देखने को मिली थी, जहां पर सिचुएशनल पंच सिचुएशनल कॉमेडी ड्रामा और प्योर कॉमेडी वहां पर देखने को मिली थी। लाइक की नॉनवेज और वल्गैरिटी का उपयोग नहीं करा गया था अपनी मूवी को बहुत ज़्यादा कूल और हाई आईक्यू लेवल कॉमेडी का पंच वाला हिसाब देने के लिए जो हमने हाउसफुल 4 वगैरह मैं देख रखी है, पहले भी देख रखी है, ऐसा कुछ नहीं। तो भाई मडगांव एक्सप्रेस मूवी आ चुकी है जहां मुन्ना भैया की एंट्री अगर हमने मिर्जापुर में नहीं देखी तो क्या हो गया भाई। मडगांव एक्सप्रेस देख लो और मुन्ना भैया का कमबैक देख लो, ये बंदा जहां जाएगा छा के जाएगा और इसने कसम भी खा रखी है क्योंकि एक्टिंग के खिलास में ये बंदा माहिर है। तो यह मूवी देख ली है मडगांव एक्सप्रेस और एंटरटेनमेंट का तड़का जो मैं अपने साथ लेकर आया हूं भर के भाई वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा ताकि आप भी ऐसी बहुमूल्य मूवी को देखने से ना चूके। ऑनेस्टली रिव्यू करेंगे विदाउट एनी स्पॉइल शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लेकिन भाई साहब एक लाइक एक सपोर्ट और ये जर्नी यूं ही चलती रहेगी, ये एफर्ट यूं ही चलता रहेगा और भी ज्यादा और भी मेहनत के साथ। तो शुरुआत करते हैं भाई साहब, तीन दोस्तों की कहानी है जो बचपन से ही गोवा ट्रिप का प्लान करते हैं और एक्सीडेंटली या फिर बाय लक जो समझो उनकी ये मनोकामना पूरी हो जाती है और ट्रिप उनकी सक्सेस हो जाती है। लेकिन 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 भाई साहब उन्हें लगा कि मजा आएगा, मजा उन्हें तो नहीं, मजा हमें जरूर आया क्योंकि वहां उनकी लगने वाली थी और वो लगते नजर आई है पूरी मूवी में। तो आप वो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे उनकी लगी गई है। फुल मस्त है, कॉमेडी फन ड्रामा का प्योरनेस दे रखा है, जबरदस्त तड़का दे रखा है। ऐसा नहीं कि कोई भी नॉनवेज या फिर नॉनवेज जोक्स का जो इस्तेमाल हम काफ़ी टाइम से देखते आ रहे थे, फिलहाल आजकल के जो नया बॉलीवुड है जिसमें नॉनवेज एंड वल्गैरिटी का पंच डालने की कोशिश करते हैं ताकि कूल वाली कॉमेडी देखने को मिले, बट ऐसा नहीं होता बाबा। ये है कॉमेडी, अगर आपको कॉमेडी देखनी है तो। बाकी कॉमिक टाइमिंग की बात करें तो दिव्येंदु और प्रतीक गांधी अगर आपको याद है 1992 स्कैम 1992 वाले हंसन मेहता, वो भाई साहब फाड़ के डाला है भाई, जबरदस्त हिलेरियस एंड ट्रिमेंडस वर्क इन्होंने किया है दोनों ने, जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग इनकी तरफ से निकली है। बाकी डायरेक्शन की बात करें तो कुणाल खेमू एज डेब्यूसन भाई दमदार है, ढोल में जो उन्होंने सीखा, ढोल मूवी में कुणाल खेमू ने जो सीखा वो यहाँ पर लेकर आए हैं और जबरदस्त तरीके से निचोड़ा भी है। तीन यहाँ पर मेन का मतलब मेन लीड पर देखने को मिले हैं बंदे, प्रतीक गांधी, दिव्येंदु एंड थर्ड वन ऑल्सो, भाई तीनों ने ही जबरदस्त काम कर रखा है। बात अगर छोटी मोटी स्टोरी लाइन की करें तो भाई साहब पैसों से भरा बैग है, साथ में गन है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं काफी होता है उनके लगाने के लिए, साथ में ड्रग्स भी आ जाता है जो इन्वॉल्व हो जाता है और ऑटोमेटिक भाई पुलिस तो इन्वॉल्व हो ही जाएगी। जब पुलिस इन्वॉल्व हो जाएगी तो भाई साहब इनका गोवा से निकलना अब हो जाएगा भारी। बाय गॉड ये सारी चीज़ें हमें ढोल मूवी में देखने को मिली थी, धमाल मूवी में देखने को मिली थी, जहां हंसते हंसते पेट दर्द कर गया था, मूवी कब शुरू होगी कब खत्म हो जाएगी आपको लगेगा यार थोड़ा सा और होना था, थोड़ा सा और हो जाता तो मजा आ जाता। हाँ बाकी कास्ट की बात करें तो तीन अपने जो मेन लीड पर हैं वो दमदार है ही हैं, लेकिन साथ में जो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं भाई साहब बहुत अंडररेटेड आर्टिस्ट यहाँ पर एक्टर्स लिए गए हैं जो अभी तक छुपे हुए थे, नगीना कह सकते हैं इनको, चार चांद लगाने में इन लोगों ने बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ी है। साथ में कुणाल खेमू एज डायरेक्टर भाई साहब इनको जबरदस्त तरीके से जो निचोड़ के लाया है दमदार। साथ में अगर आपको एनिमल मूवी का रेड्डी याद है, सभी को याद होगा भाई साहब, एज मेंडोसा का कैरेक्टर यहाँ पर किया है उस बंदे ने और ये हीरा अभी तक छुपा हुआ था और इस बंदे का फुल ब्राइट फ्यूचर है क्योंकि यहाँ से ये बहुत अच्छा उभरने वाला है और बाय गॉड मैं इसे बार बार देखना चाहूंगा इस बंदे को क्योंकि ही इज हिलेरियस। बाकी भाई साहब एक चीज जो अभी तक मैं इग्नोर करते आया, कौन, नोरा फतेही। हाँ 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 ग्लैमर और आंखें सीखने के मामले में आप इसे इग्नोर मत करना क्योंकि ये पार्ट बहुत भारी है भाई साहब इसका, लेकिन अगर एक्टिंग के मामले में आ जाए मामला तो ऐसे इग्नोर कर देना छोटा मोटा कि बुरा वक्त है गुजर जाएगा और गुजर ही जाएगा। बाकी तो मूवी दमदार है, फैमिली के साथ भी देख सकते हो क्योंकि वल्गैरिटी कोई भी नहीं है। सो दैट्स माय रिव्यू, बाकी यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब वीडियो आपको पसंद आया है, तो कंजूसी मत करो, शर्म मत खाओ, लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते रहेंगे ऐसी, जय हिंद।